circunstances. जी सर, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। जो है वो हमारा लास्ट आखिरी तरह इस चैप्टर है, यही करना है बस, हमें टाइम दे रहे हैं रिलैक्सिंग फील तक, और इससे आगे नहीं है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरह से हमने कल वो रिलेशन डिराइव किया, चार्ज पार्टिकल जो है अगर आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो उसमें आपने कांस्टेंट वेरिएशन जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सर्टन डायरेक्शन में पहले हमने एज्यूम करके फिर किया था। आज हम जो है इसमें कंसिडर करेंगे कि चार्ज पार्टिकल जो है वो अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें E इज इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ये एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा आपके पास है तो ये कोसाइन थीटा प्लस ये आयोटा साइन थीटा। सकिन से रिमूव हो गई है। ऑफ है, एक मिनट, जस्ट वन मिनट। नाउ जी अब देखें, ओके जी जी सर, आ अच्छा, गई। हाँ तो सर, इसमें आप आप टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तक है। जी, यहाँ तक ही है, ये लास्ट है इस चैप्टर का, यहाँ तक किया था, आगे नहीं करेंगे, तो बस यहाँ तक किया टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें ये आपके पास वही हम कंसिडर करेंगे उसी तरह की डेरिवेशन है जैसे जिस तरह हमने कल किया था। इसमें आपने जो एक्सपोनेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इज इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इंटू एक्स, ये और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो एक्सप्रेशन जो है पोलराइजेशन ड्रिफ्ट के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। कल भी हमने बेसिकली वो जो लास्ट का एक्सप्रेशन फाइंड किया था उसमें वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो है इन कॉन्टैक्ट देखा था कि अगर डेल को आयोटा के फॉर्म में चेंज करे जा वेव नंबर से कैसे उसको किया जाती है, वो कल हमने किया था। आज आपने वही करना है, जस्ट एक चीज़ का इसमें है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग है, जस्ट बाकी सारी अजम्पशन उसी तरह से कंसिडर करेंगे। आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट इन स्पेस एंड टाइम है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट टाइम वेरिंग है। तो एज यू नो डैट कि ये जो फील्ड है जो आपके पास साइनोसॉइडल वेरिंग जो है वो उसको आप अज्यूम करते हैं, सो ई इज इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी एक्स, वेयर बी इज कांस्टेंट, तो वही बी इज इक्वल टू बी जी डायरेक्शन में आप करेंगे। तो ये तो अजम्पशंस होगी दो, फिर उसके बाद आप लॉरेंट्स लॉ अप्लाई करेंगे सिमिलर केस जिस तरह आपने प्रीवियस में करते रहे हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये अब इसमें ई प्लस वी क्रॉस बी किया है इक्वेशन 4 में, तो इसमें आपने जस्ट वही आपने जो जिस तरह आपने कर लिया था फिर उसके बाद एक्स कंपोनेंट कंपेयर किया है फिर वाई कंपोनेंट कंपेयर किया है, तो ये जो ये आपके पास इक्वेशन 4 है ये आपके जी एफ इंटू क्यू इंटू जो ई है इसकी जगह पे आप ई एक्स इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वी क्रॉस पी उसी तरह से आप करेंगे वी वाई बी एक्स माइनस वी एक्स पी वाई प्लस 0 जी, जो वी क्रॉस पी आप लेंगे तो क्योंकि बी जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ ओनली इन वन डायरेक्शन अज्यूम की हुई है। उसके बाद कंपेयर करते हैं एक्स वाई जो जी कंपोनेंट्स हैं तो एम वी एक्स डॉट और एम वी जी जस्ट
सिमिलर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करनी है, उसके बाद जो है आपने तो इसी तरह से जो वी वाई डॉट है वो माइनस टू डी वाई एन वी एक्स वी हम पुट करेंगे तो वी एक्स डॉट इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा सी बाय बी ई एक्स प्लस माइनस ओमेगा सी वी वाई, ये इक्वेशन 8 पे आप आ जाएंगे वही। तो उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट जब आप सेकेंड ये 9 इक्वेशन में एम वी वाई डॉट इक्वल टू माइनस क्यू वी एक्स बी जब आप कंपेयर करवाते हैं इक्वेशन 4 को कंपेयरिंग द वेक्टर कंपोनेंट्स, फिर वी वाई डॉट माइनस क्यू डी बाई एम इंटू वी एक्स, फिर वी वाई डॉट इक्वल टू माइनस इसको आप इसी तरह से क्यू डी बाई एम को आप ओमेगा सी और वी एक्स, ये यहाँ तक तो वही है जिस तरह से हमने कल करते रहे हैं। जस्ट इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो इक्वेशंस हैं जो अब इसको हम कपल्ड इक्वेशंस कहते हैं, अनकपल करने के लिए आप इनका सलूशन जो है वो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो ये आप वी एक्स जो एक्स कंपोनेंट है इसका डबल डेरिवेटिव लें जिस तरह से आपने देखो कल किया था वी एक्स डबल डॉट इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा सी बाय बी ई एक्स डॉट फिर प्लस माइनस ये वी वाई डॉट, आपने जस्ट सब्स्टिट्यूट का वैल्यू यहाँ पे आप जो इक्वेशन 13 है यहाँ पे वी वाई डॉट की वैल्यू और ई एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी एक्स डबल डॉट इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा सी बाय बी, तो ये आपके पास ई एक्स डॉट इसका डेरिवेटिव लें जो स्टार्ट में आपने ज्यूम किया था आयोटा ओमेगा ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी हो जाएगी ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फिर प्लस माइनस ये आ गया ओमेगा ये वी वाई डॉट की वैल्यू जो है ये पुट कर दें जो 12 में प्लस माइनस ओमेगा सी वी एक्स यहाँ पुट कर दी, तो यू हैव टू फाइंड इक्वेशन 15 प्लस माइनस आयोटा ओमेगा सी, ये आपके पास ये वाला आपके पास ओमेगा सी और इस ओमेगा में आपके पास क्या है ये इसमें डिफरेंस है, ये आपके पास ओमेगा ये एंगल में था ना आयोटा वो उसको आप ओमेगा टी इज इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, वो ये आपके पास वो फेज एंगल में है ओमेगा जो है, तो ये ओमेगा सी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ई एक्स बाई वी माइनस ओमेगा सी स्केयर वी एक्स, इसको रीअरेंज करें तो माइनस ओमेगा सी स्केयर वी एक्स माइनस प्लस माइनस आयोटा ओमेगा ओवर ओमेगा सी ई एक्स बाई बी, तो इस 16 इक्वेशन में माइनस ओमेगा सी स्केयर ये आपके पास वी एक्स माइनस इसको जो है वो ये जो टर्म है आयोटा ओमेगा ओवर ओमेगा सी ई एक्स बाई बी इसको जो है वो हम पोलराइजेशन वेलोसिटी कहते हैं, इसमें इसको एक मतलब इसका जो आपके पास डायमेंशन है इट इज़ वेलोसिटी, तो ये आपके पास जो है इसको हम पोलराइजेशन वेलोसिटी वी एक्स और वी पी जो है उसका आप कह देते हैं कि दिस इज माइनस ई एक्स बाई वी इज इक्वल टू पोलराइजेशन ड्रिफ्ट भी आप इसे कहते हैं कि आयोटा ओमेगा ई एक्स बाई वी, तो इसको वी पी ऊपर जो आपके पास ये साइन है ये आपके साथ एवरेज टिल्डे साइन इसको कहते हैं वी पी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा ओवर ओमेगा सी ई एक्स बाई वी डी, तो ये पोलराइजेशन ड्रिफ्ट हमने फाइंड आउट कर ली कि ये आपके पास आई है बेसिकली ई एक्स बाई वी, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड
तो इससे के साथ वेरी कर रहेगी। अगर आप उसको दूसरे फॉर्म में वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं तो वी वाई डॉट जो आपके पास है, तो वी वाई डॉट वी पी इज इक्वल टू दिस, तो वी वाई डबल डॉट उसका ले लें आप उसी तरह से, तो आप इक्वेशन 19 रखें। फिर इक्वेशन 8 जो आपके पास वी एक्स डॉट था उसको आप यहाँ पुट करें, माइनस प्लस ओमेगा सी वी एक्स डॉट आपके पास इक्वेशन 8, ये आपके पास ऊपर देखते हैं ये वी एक्स डॉट ये वाला, इसको आप वहाँ पर पुट कर दो जहाँ पे आपने डबल डेरिवेटिव लिया है यहाँ पे, तो ये आपके पास ओमेगा सी स्क्वायर ओवर बी ई एक्स माइनस फिर ये ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई डबल डॉट माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ओवर बी ई एक्स माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई, फिर इस तरह से ओमेगा सी स्क्वायर कॉमन लें वी वाई प्लस ई एक्स बाय बी, तो ये आपके पास जो ये वाली 24 को आप देखें माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई माइनस इंटू माइनस ई एक्स बाय बी, ये क्यों माइनस जो है यहाँ पे इंटरफेयर किया, क्योंकि जो आपने ड्रिफ्ट था ये मैक्सिमम ड्रिफ्ट वी ई जो से आप शो करवाया था माइनस ई एक्स बाय बी होता है, तो ये आपके पास जो 26 इक्वेशन है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशंस हैं 26, और जो पहले हमने वी एक्स डबल डॉट फाइंड आउट किया था इनका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो वी एक्स का आएगा वी परपेंडिकुलर एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी प्लस वी पी, और वी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा वी परपेंडिकुलर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी प्लस वी ई, ये वर्टिकल कंपोनेंट था और उसका इसको जनरल सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, एक्स के लिए आप के पास ये आता है और इसके लिए आपके पास ये इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो जिस तरह से आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसको आप सिंपली 26 को, और जो पहले वी एक्स डबल डॉट वाला था उसको आप डी टू एक्स बाई डी टी स्केयर करें, फिर उसके बाद इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा इक्वेशन सर क्लियर। ये पहले जो आपने जायरेशन और इसका पाथ फाइंड किया था ना पार्टिकल का, वो हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस और टाइम में यूनिफॉर्म था, जी तो जी यहाँ पे हमें टाइम के साथ वेरिएंट क्यों ज़रूरत पेश आई? टाइम वेरिंग के लिए आप देखो ना जारी बात है इफेक्ट, तो उसमें तो हमने ये असम्पशन की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने वो बाउंड्री कंडीशन लगा के हमने चेक कर लिया, अब जारी बात है फील्ड जो है वो इस वजह से क्योंकि आपके पास विद रिस्पेक्ट टू अगर आप टाइम बात करते हैं स्पेस में अगर आप आते हैं तो जारी बात है उसमें आपके पास टाइम वेरिएशन होती है, जब टाइम वेरिएशन होती है तो इसका मतलब पार्टिकल का ट्रैक जो है वो इन सर्टन आप कह सकते हैं कि वो वेरी कर सकता है, मतलब वेरी इस वजह से कि जिस तरह से आपने कल देखा है कि आयन और इलेक्ट्रॉन की मोशन आपने देख ली है कि किस तरह से आपके पास है, इसी तरह से इसमें भी आप जब पोलराइजेशन की बात करते हैं पोलराइजेशन इस वजह से होती है कि जब आपके पाथ जो है पार्टिकल का वो टाइम वेरिंग हो, टाइम वेरिंग में जस्ट एक्सपोनेंशियल टर्म है, उसमें आपने जो ये ज़ूम किया था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट आपने उसका एक्स कंपोनेंट लेख के कोसाइन से फिर आपने उसकी नॉन यूनिफॉर्मिटी लेख के कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में आपने फाइंड किया था, इसमें जस्ट आपने ये किया कि हमने ये देखा है कि विद रिस्पेक्ट टू अगर आप टाइम देखते हैं तो उसमें जो पाथ ऑफ द पार्टिकल है उसकी करंट डेंसिटी में क्या फ़र्क आता है और उसकी पोलराइजेशन कैसी है और उसके बाद जो उसका ट्रैक है पार्टिकल का वो पोलराइजेशन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि पोलराइजेशन अफेक्ट उस वक्त आता है कि जब आपके पास आप इंक्लूड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जो है वेरिएशन वेरिंग टाइम, तो अदरवाइज पोलराइजेशन ड्रिफ्ट वही है ना कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप जाएंगे तो ये आप उसको उससे फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ये देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का है करंट डेंसिटी कैसे है, तो उसमें तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमने जस्ट वही देखा था ना कि किस तरह से पार्टिकल है क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसमें जी सर, आप जो हाँ इसमें मैच डेंसिटी के साथ और करंट डेंसिटी इनका रिलेशन और उसके बाद जो है जो साइक्लोट्रॉन मोशन है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोलराइजेशन ड्रिफ्ट के साथ कैसे आपके पास आती है, और थर्ड चीज़ आप इससे ये देख सकते हैं कि
अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में सपोज किया, पोलराइजेशन भी एक्स में और मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा, तो तब अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसका जो आयन है या इलेक्ट्रॉन है वो उसका उस पर मोशन पे क्या असर करता है? सर ये आपने ना बताया कि जिस लॉसी या पोलराइजेशन के लिए ना, के लिए ना ये ज़रूरी है, जी, तो इसलिए हमने वो अप्लाई किया है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल आई जी। देखो सर, हमने ना वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ना जब किसी मेटल को या किसी अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो उसमें तो वो डिस्प्लेसमेंट वगैरह या ड्रिफ्ट नहीं ना होते पार्टिकल? नहीं, उसमें नहीं होते वो। देखें, इसमें आपने ये हम जो केस कर रहे हैं ना, ये है प्लाज्मा का ना, कि प्लाज्मा के अंदर किस तरह से आयन, इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल्स जो हैं उनका क्या इफेक्ट है, साइक्लोट्रांजेरेशन कैसी है इसकी, उसके बाद इसका जो पोलराइज्ड करंट डेंसिटी है वो किस तरह से हो रहा है, ऑसिलेटिंग ड्रिफ्ट क्या क्या है, ये चीज़ें इसमें आपके पास होती हैं। वो तो कैपेसिटर में अगर बात करते हैं वो सिंपल है। अब देखें ना, जब आप प्लाज्मा जनरेट करते हैं ना, प्लाज्मा जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो आपके पास कैपेसिटिव इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं। कैपेसिटिव इलेक्ट्रोड्स में अब वहाँ पे जब आप कोई भी सर्टन गैस, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, तो इस तरह की अगर आप गैस असम्बली से गुजारते हैं, तो बेसिकली ये जो ग्लोइंग मोड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू जो स्पेसिफिक कंडीशन से जो है वो जनरेट होते हैं। अल्फा मोड है, गामा मोड है, जो जो जेट प्लूम बनता है उसमें प्लाज्मा में, ये बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो कंडीशन आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अभी तक तो हम कंडीशन ही अप्लाई कर रहे हैं ना, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये हैं, तो इस तरह से आपका ये पाथ हो गया। फिर आपने देखा कि किस तरह से वो कर्वेचर डिस्क में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, टाइम वेरिंग में क्या हुआ जी। तो उसके बाद हमने क्या किया कि आपके पास जी यहाँ पे वी वाई डबल डॉट जस्ट आप इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लें, तो ये आपके पास हो जाएगा वी वाई डबल डॉट प्लस माइनस वी परपेंडिकुलर आ जाता है तो माइनस वन आ जाता स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ से इस इक्वेशन का आपने डिफरेंशियल लिया, तो ये आपके पास वी वाई डबल डॉट माइनस प्लस ये 36 पे आप देखें, ये वी ई की वैल्यू वही जो आपने पुट की थी उसको उसकी जगह पे दोबारा जो अरेंज किया, फिर माइनस वी एक्स बाई वी माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई माइनस वी ई माइनस ओमेगा स्क्वायर वी ई, ये वी ई है आपके पास माइनस वी एक्स बाई वी, तो ये आपके पास जो था वी पर ओमेगा सी स्क्वायर वी परपेंडिकुलर आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा सी टी, ये वी वाई माइनस वी ई, ये आपके पास है जो अभी हमने इसको कहा था। तो पोलराइजेशन ड्रिफ्ट वी पी हमने आपके पास की ये, तो वी पी इक्वल टू प्लस माइनस वन ओवर ओमेगा सी, इसको आप डी ई बाई डी टी भी लिख सकते हैं इसको, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा सी यहाँ से टी डी बाई एम पुट करें इस यहाँ पे 40 इक्वेशन में, तो वी पी इक्वल टू एम ओवर टू बी स्क्वायर डी ई बाई डी टी, तो चार्जेस जो हैं डिफरेंट हैं, इस वजह से आपके पास देयर विल बी पोलराइजेशन करंट, जो आयन के लिए वी आई टी कह लेंगे आप, और आयन ये इक्वेशन है तो 42 एम ओवर ई बी स्क्वायर उसका जो मास है कैपिटल एम कहेंगे आयन के लिए, तो एम ओवर ई बी स्क्वायर डी बाई डी टी, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस स्मॉल एम और चार्ज में नेगेटिव डी बाई डी टी। ये वी पी जो है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको अगर हम कंसिडर करते हैं कि डी बाई डी टी ज़ीरो, तो आपके पास जो पोलराइजेशन इलास्टिसिटी है वो ज़ीरो हो जाता है यहाँ पे,
is different for both charges, then there will be a net current. ये current है, J is equal to M E V होता है ना polarization के साथ, तो J is equal to M E V, ion और electron का difference है. फिर आपने जो values पहले put की है यहाँ पे लगा दें, 49 पे आप आ गए. तो ये M plus M d by dt M E by E V square, ये आप 50 equation पे आ गए. तो J is equal to N over B square, ये E से cancel, M over M this. तो ये आपके पास जो रो है M प्लस M इंटू N, इसको जो है वो रो जो है वो उसको इसको नाम दिया रो इज इक्वल टू दिस. तो इसमें ये पुट करें, हियर एज वी नो दैट देयर अकर साइक्लोट्रॉन मोशन इफ देयर विल बी अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड and also polarization will occur. Time varying electric field से polarization Vp proportional to what? ये rho v square is our constant, to dE by dt. dE by dt. Here E and Vp, ये आपके पास E और Vp जो है वो x direction में, however dE in z direction. ये magnetic field हम consider किए z direction में. ये magnetic field है E and ये x direction में. ये charge particle है. तो ये आपके पास इन्वर्टेड डोमेन है. जो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, तो ये आपके पास साइक्लोट्रॉन मोशन की वजह से जब चार्ज पार्टिकल आयन इस डायरेक्शन में आपके पास मूव करता हुआ इसके पास आएगा, तो उसने उसको जनरेट करवाना है थ्रू अ लार्मर सर्टन रेडियस आर. तो उसमें आपके पास ये है, इस तरह आपके पास ट्रैक ज़्यादा है, मास हैवी होने की वजह से आयन का. तो इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो आपके पास उसका ट्रैक डिफरेंट होता है. इसमें टाइम वेरिंग ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सलरेशन पोलराइजेशन लास्टली एक्सट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन. जो आपके पास पोलराइजेशन करंट है वो जो ये आपके पास फिगर हमने पोलराइजेशन ड्रिफ्ट की ये हमने देखा है उसको अभी देख रहे हैं. तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे कि आपके पास एक आयन है जो कि रेस्ट की हालत में है ना मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सडनली अप्लाई होती है, तो उसमें क्या होता है कि आयन दस इज टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई. कि सडनली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो इन द डायरेक्शन ऑफ ई जो है वो आयन आपके पास मूव करेगा. तो अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो आयन जो है वो लॉरेंस फोर्स जो है क्यू इंटू ई वी क्रॉस बी, उस डायरेक्शन में वी क्रॉस बी, वी और बी जो है वो अगर आप उसमें कर लेते हैं तो उस वजह से आपके पास V एंड B तो दैट विल बी इन मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अगर आपके पास अगर E जो है अगर कांस्टेंट है तो जो जो आपके पोलराइजेशन ड्रिफ्ट होगा उसको आप वी ई जो सपोज किया है आपने, अगर आपके पास E जो है उसको हम कहते हैं दिस इज कांस्टेंट, तो पोलराइजेशन जो है वो आपके पास जस्ट वी ई कंसिडर होगा. अगर ई रिवर्स भी हो तो आपके पास दस आप कह सकते हैं कि वी पी इज स्टार्टअप ब्रेक ड्यू टू इनर्शिया एंड अकर्स ओनली इन द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ ई जनरेशन ड्यू टू द ई चेंजेस. कॉन्सिक्वेंटली वी पी गोज टू जीरो विद ओमेगा ओवर ओमेगा सी. जो पोलराइजेशन है, जो पोलराइजेशन लास्टी है, इसका जो रिलेशन आप देखें कि कब आपके पास ये जो है रिड्यूस होती है, जब रेशो बिटवीन द ओमेगा एंड ओमेगा सी विल बी इन रिड्यूसिंग फेज. और ये पोलराइजेशन इफेक्ट है, इट इज़ सिमिलर जो जैसे आपके पास सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई प्लस पी,
तो डाइपोल्स जो आपके पास प्लाज्मा में जनरेट होते हैं वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, सर्टेन डिफ्रेक्शन जो मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल रेडियल से वो जायरेशन है पार्टिकल की, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव अराउंड द फ्रीजर कोसाइन न्यूट्रॉन। तो प्लाज्मा की अगर आप बात करते हैं, आयन और इलेक्ट्रॉन जो आपके पास हैं वो जो कोसाइन न्यूट्रलिटी भी वो आपके पास बिहेव करते हैं। द एप्लीकेशंस ऑफ अ स्टडी ई फील्ड डज नॉट रिजल्ट इन द पोलराइजेशन ऑफ ए। हाउएवर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स एन ऑसिलेटिंग करंट जेपी करंट एज पोलराइजेशन करंट रिजल्ट्स फ्रॉम द लैग ड्यू टू द आयन इनर्शिया, कि वो आपके पास रिड्यूस होगा क्योंकि आपके पास आयन जो है इट इज कैप्ट मोर इनर्शिया। तो जस्ट हमने इसमें जो पाथ ऑफ द पार्टिकल डिस्कस किया है बाहर तो इसी तरह की है जैसे हमने ऑलरेडी जो है ये कल भी हमने किया था। इसमें आपने क्या किया, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पैक्ट क्या है, चार्ज पार्टिकल कैसे जनरेट कर रहे हैं थ्रू सेकंड ऑर्बिट, और लास्ट पे आपने देखा कि जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए आपके पास जो पोलराइजेशन करंट है और जो डेप्थ वेलोसिटी है उसका कैसे इम्पैक्ट है पोलराइजेशन का और वीडी का, जो आपके पास सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है इसमें आप रखते हैं। अगर टाइम वेयरिंग है तो पोलराइज्ड, और जैसे आप पोलराइजेशन ड्रिफ्ट है टाइम सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में या सॉलिड स्टेट फेज में आप मतलब डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई ओवर प्लस पी पोलराइजेशन से, तो उससे इसको हमने इम्पैक्ट देखा है कि कैसे आयन जो है उसके मास इनर्शिया हैवी होने की वजह से किस तरह उसमें जो है वो चेंजिंग आती है पाथ। सर इससे आगे बुक पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो नहीं करना हमने? यार वो मैं देखता हूँ अभी बताऊंगा मैं आपको, ये मैंने पूछना है कि ये है इंक्लूड या नहीं, एक मिनट में देखता हूँ। खैर